सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, फैमिली में भी सब कोई अच्छे है। तो भगवान से मैं हमेशा प्रे करती हूँ, जैसे मेरी फैमिली को अच्छे रखे तो आप लोगों को भी अच्छे रखे, भगवान खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। पर कहावत है ना, जिंदगी का दस्तूर है, आज हंसेंगे तो कल रोएंगे, आज है खुशी कल है गम, तो इसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। और सारी खुशियों को, कभी कभी गम को, सबको लेके भी हमें अपने आप के लिए सोचना पड़ता है, हमारी फैमिली के लिए सोचना पड़ता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ और लिव सिंपली विद संजीता के चैनल पे, और एक नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी और ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहना। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, ऐसा क्यों है? मेरी वीडियोस आपको अच्छी नहीं लगती कि अच्छे नहीं लगते? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि संजीता जी आपका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर्स है उनको क्या पसंद है देखना? तो मेरा जो ये चैनल है वो एक्चुअली डेली ब्लॉग्स के ऊपर है। शॉर्ट वीडियो तो मैंने अभी रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया है सबको देख देख के, पर मेरा जो मतलब ड्रीम था कि मुझे एक ब्लॉगर बनना है, डेली ब्लॉग्स के ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी। जैसे कि मैं दो बच्चों को लेके कैसा क्या मैनेज करती हूँ, बाहर जाना, फिर बाज़ार करना, घर के काम, बच्चे संभालना, वही सोच के मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला था। अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ, 8 महीने हो चुका है पर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, और जो लोग व्लॉग्स देखते हैं वो लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या देखना पसंद करोगे, और मेरी वीडियोज़ पे अगर कुछ अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना कर पाऊँ। और किसी ने मुझे पूछा था, उनका नाम क्या था, मृदुल या समथिंग, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप तुम्हें बांग्ला जानो, आप कहाँ से हो? तो उनके लिए बोलना चाहूँगी कि हैं आमी बांग्ला जानी, आमी बांगाली, आमी थाकी आसामे, আর এর থেকে বেশি তো কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ আমি বাঙালি, আমি আমার বাবা মা ঢাকায়, আমার শ্বশুরবাসী হলো গে সিলেটি, কিন্তু আমি সব বলতে পারি, অসমিয়া, হিন্দি, ইংলিশ, ঢাকা ভাষা, সিলেটি ভাষা, যা বলবে ওইটাই বলতে পারবো। তো তো ছড়িয়ে বসে বাতে, তো वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग, मेरे हस्बैंड चले गए हैं उनका बाइक सर्विसिंग करने, तो इस वजह से रूम खाली है। तो मैंने सोचा कि जब जितना हो पाए उतना काम कर लेती हूँ। और परसों को हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, बिफोर मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे ना जो पर्दे हैं वो काफ़ी गंदे हैं, लास्ट शायद 3-4 महीने से मैंने नहीं धोया था ऑनेस्टली, क्योंकि पर्दे अगर आप हर वीक में तो नहीं धो सकते, इतना गंदा नहीं होता, तो 3-4 महीने में ही धुलते हैं। तो अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं परसों को, तो मैंने सोचा चलो आज मैं खोल के इनको भिगा के रख दूँगी, कल धो दूँगी और नए घर में जाके लगाऊंगी। फिलहाल तो मतलब ये जो मेरा जो दरवाज़ा है यहाँ पे अगर नहीं भी लगाऊंगी प्रॉब्लम नहीं है, पर खिड़की में प्रॉब्लम होगा 2 दिन जैसे है। सुबह में उठ के हम लोग को क्या होता है, पूरा धूप आता है इस साइड से, तो मैं बेडशीट वगैरह लगा दूंगी। तो सुबह सुबह मैंने अपना बेड वगैरह क्लीन कर लिया है और अच्छे से मतलब कार्टन वगैरह सब खोल लिया है। और ये देखिए मॉस्किटो नेट है, इसको भी मैंने नहीं धोया, शायद 1 महीना हो गया होगा, तो इसको मैंने अभी भिगा दिया है कि कुछ टाइम भीगा रहेगा तो मैं दोपहर तक धो दूंगी। बहुत हल्का सा है, सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी शायद 8:30 बज रहे हैं और मेरा सब हो चुका है, अभी सिर्फ रूम झाड़ू मारना बाकी है, उसको मैं बाद में लगाऊंगी। तो फिलहाल मैं जो मॉस्किटो नेट ना उसको मैंने भिगा दिया, और बाकी पर्दे वगैरह मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, मम्मी जी भिगा देंगी। और पर्दे अगर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने मम्मी जी को बोला आप भिगा के रख देना, कल मॉर्निंग में मैं हाथ से धो के दे दूंगी। उसके बाद में मैं चली आई थी अपना रूम झाड़ू मारने, बेड वगैरह क्लीन हो गया था, अभी मेन काम है झाड़ू। अगर झाड़ू लगा दूंगी तो मेरे मतलब रूम का काम ख़त्म, और मेरे रूम में ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला है कि री बच्चे सब, रियो, मम्मी जी बोले, सब बोले, सब सामने के रूम में ही ज़्यादातर रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, सिर्फ रियो को सुलाने के टाइम मैं आती हूँ या मम्मी जी सुला देती है दिन में मैक्सिमम टाइम। तब मम्मी जी जब रियो को सुलाती है तब हम लोग का लंच का टाइम होता है, जैसे कि मैं, भाई, मेरे हस्बैंड को खाना दे रही होती हूँ और मम्मी जी रियो को सुला देती है। तो मम्मी जी अगर नहीं रहती तो मेरी लाइफ शायद थोड़ी टफ रहती, मम्मी जी के बिना मतलब 2 बच्चों को लेके फैमिली मेंटेन करना नॉट पॉसिबल।
मतलब जो लोग होते हैं ना पहले से मतलब अकेले रहते हैं, उनका अगर पहले से सेटल क्या और रहता है माइंड भी और फिजिकली भी सेट, मतलब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैं ये करूँगी, ऐसा ऐसा मैनेज कर लूँगी। पर मेरी शादी जब से हुई है तब से मम्मी जी मेरे साथ है और देवर भी, तो मैं उन दोनों के बिना मतलब सोच नहीं पाती हूँ। जैसे कि घर में अगर कुछ सडनली ख़त्म हो जाए तो भाई रहता है तो भाई चला जाता है, मुझे या मम्मी जी को मतलब लाने के लिए नहीं भेजता। और आज जैसे कि भाई नहीं है तो हम लोग जाते हैं, या उनको कभी सडनली कुछ इमरजेंसी काम हो जाता है तो वो चले जाते हैं, तब मैं या मम्मी जी जाती है। आजकल मैं मम्मी जी को भी नहीं देती जाने, क्योंकि उनका भी काफ़ी एज हो गया है, बाहर से आके फिर बच्चों को भी मतलब यो को नहलाना, घर के भाई का रूम वगैरह सेट करना, मैं नहीं करती भाई का रूम, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। किसी तरह मैं अपना रूम ही सेट करती हूँ और बाकी पूरा घर का जो मतलब क्लीन करना वो करना सब मम्मी जी ज़्यादातर करती है। उसके बाद मैंने ब्रश भी कर लिया, आप लोगों ने देखा होगा, और मैं आ चुकी हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने। 10 बज चुके थे और उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, ब्रेकफास्ट बनाने के पहले हम लोगों ने मूढ़ी, ब्लैक टी और साथ में मैंने थोड़ा भुजिया लिया था, वो खाया था। तो अभी मैं बनाऊंगी पोहे, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा। और अगर आज मेरे हस्बैंड रहते तो मैं ब्रेकफास्ट में पोहे नहीं बनाती, क्योंकि वो पोहे पसंद नहीं करते, उपमा भी पसंद नहीं करते, तो वो नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पोहे बना देती हूँ, बहुत दिन से नहीं खाया है। और बादाम नहीं था तो फ्रिज में ना बहुत दिन पहले का चना भीगा हुआ था, कच्चा वाला चना भीगा हुआ था, बॉयल नहीं था, तो मैंने इसीलिए उसको थोड़ा टाइम के लिए ढक के दे दिया तेल में, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में देखिए चीरा जो है ना ये मोटा वाला है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से धो के 3-4 बार नहीं 5-6 बार शायद उसका पानी मतलब फेंका, देन में भिगो के रख दी थी उसको। और मैंने वही नॉर्मल थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक, फिर हरी मिर्च, चना, ये सब दे के प्याज भी मैंने दिया था। अगर बीन गाजर रहता मैं बीन गाजर भी देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वेजिटेबल्स खाना, और खाना भी चाहिए। वैसे मैं और मम्मी जी तो आराम से खाते हैं मतलब वेजिटेबल्स, पर पोहे वगैरह में अगर देते हैं तो वो अच्छा है, रियो भी खाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ब्रेकफास्ट रेडी था, और ये प्लेट है भाई के लिए। बादाम नहीं था, सुन के भाई जाके फटाफट से बादाम लेके आया, मैंने उसको अलग से फ्राई करके दे दिया पोहे में। गुड मॉर्निंग, तो अभी बज रहे 11 और हम सब आज ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पोहे। मैंने थोड़ा चना दे दिया था क्योंकि बादाम नहीं था घर पे, तो भाई जाके लेके आया, फिर मैंने अलग से कढ़ाई में फ्राई करके दे दिया बादाम। पोहे में बादाम के बिना अच्छा नहीं लगता, मुझे मम्मी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए बादाम भी है और चना भी है, प्याज वगैरह दे के बनाया है। आज बीन गाजर नहीं था घर में, तो बीन गाजर रहता है तो मैं देती हूँ, थोड़ा वेजिटेबल्स खाना भी अच्छा है। मैं उपमा में भी देती हूँ और पोहे में भी बीन गाजर देती हूँ, अच्छा लगता है। और मैंने लिया है थोड़ा सा कच्चा प्याज और थोड़ा सा भुजिया। प्रीत तो नहीं खाता, प्रीत ने खाया है दूध रोटी, में बाद में उसको कुछ दे दूंगी बना के। और रियो तो खा रहा है पोहे। तो आज है मंगलवार, हम लोग परसों को जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक कुछ पैकिंग वगैरह नहीं हुआ है, बस किचन में थोड़ा बहुत स्टफ मैंने क्लीन किया है, बाकी तो पैकर्स और मूवर्स आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, सब पैक करके लेके जाएंगे और हम लोग को बस निकाल के देना। फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग वगैरह करना पड़ेगा, जैसे कि किचन का जो बर्तन रखने का सेल्फ वगैरह है वो भी ठीक करना है, साफ करना है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो हो जाएगा। और ये गए हैं अपना बाइक सर्विसिंग करने, ब्रेकफास्ट नहीं किए, बोले बाहर में जाके करेंगे, दोपहर में शायद लंच करने आएंगे। लंच का कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, बजे पूरा 11:10 एग्जैक्टली। मम्मी जी भी ब्रेकफास्ट कर रही है यहाँ पे, उसके बाद में वो नहाने जाएंगी, गर्म पानी हो चुका है। मैं और प्रीत निकल चुके हैं बाजार के लिए। पहले भाई बोल रहा था जाएगा, सडनली उसको कॉल आया, इनको जाना पड़ रहा है ऑफिस किसी काम से। तो मैंने और प्रीत ने सोचा कि चलो आज हम लोग ही बाजार करके लाते हैं, वही फिश बनाना लाना है, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स लाने हैं बस। कल परसों आई डोंट थिंक है, कल तो मैं निकल नहीं पाऊँगी। इवनिंग को कुछ शॉपिंग करना है रियो के लिए, तो वो देखेंगे, अगर हो पाएगा तो जाऊंगी इवनिंग को। और आज अभी जो जा रही हूँ मैं फिश लाने, ये शायद मेरा यहाँ तक यहाँ का लास्ट बाज़ार होगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और सामने ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से
काफी नॉइज है। और आपके ही मैंने बना लिया नए कप में कॉफी। कैसा है कप कमेंट में जरूर बताइएगा। चार टाइम ज्यादा नहीं गई है तुम्हारे चा ना तो एक फुटा होगा ना। और दुकान में चेंज नहीं था तो मैं ये 5 रुपए का नट क्रैकर्स लेके आई हूँ। वैसे तो घर में चिप्स चॉकलेट काफी भुजिया वगैरह सब कुछ है पर चेंज नहीं था तो ये लाई। ये भी अच्छा लगता है मुझे तो चलिए खाते खुलो मम। तो अभी बहुत काम है। अभी बज रहे 12 बज चुके हैं। अभी मैं जाऊंगी किचन और आज बनाऊंगी क्या कॉलीफ्लावर फ्राई दाल और ऑल कॉफी के साथ कतला वाला फिश। और कुछ नहीं बनाऊंगी। दाल बन चुका है बस चावल बिठाऊंगी फटाफट से कर दूंगी क्योंकि ये आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके गए और घर आके बोलेंगे खाना दे दो तो फटाफट से मैं चावल और फिश बिठा दूंगी बाकी उनका हो जाएगा इसी से। उसके बाद में मैं फ्राई बनाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग ना लुक्स को जज मत करिए क्योंकि मेरे घर में जो भी काम होता है मैं और मम्मी जी करते हैं। हम लोगों को हेल्प करने के लिए बाहर से कोई नहीं आता। ड्यूरिंग कोविड एक हाउस हेल्पर थी पर हम लोग उनको छोड़ दिया। कोविड जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन वगैरह होना शुरू हुआ उसके बाद में और किसी को नहीं रखा क्योंकि बच्चे हैं घर में। हम लोग को पता जैसे कि अभी मैं बाज़ार गई हूँ बाज़ार में पर मैंने किसी को टच नहीं किया बस सामान लिया और वही लेके आ गई। अभी बाहर से अगर कोई आता है तो वो पता नहीं चलता ना कौन कहाँ से आ रहा है तो इस वजह से हम लोग नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि नहीं रख पाएंगे तो। और मैं भी पहले जॉब करती थी अभी तो कुछ भी नहीं करती। मम्मी जी भी पहले जॉब करती थी अभी घर पे है तो अगर घर पे रहकर घर के काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बोर हो जाएंगे। वैसे इतना फैले हुए हैं तो इसलिए घर के काम तो करना ही चाहिए। जो लोग बाहर में कुछ नहीं करते बाहर में अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आप लोग घर में हाउस हेल्पर रखना मतलब ज़रूरी हो जाता है तब क्योंकि घर में नहीं अवेलेबल होते हो आप हमेशा। और मैं ऐसे ही हूँ बाहर जाने वाला था पहले बाजार नहीं जा पाया तो इसलिए मैं चल गई। सब तो दाद बंदे जब मामा के दो तू थैंक यू आटो दो इटा अमर पैकेट जी लो आटो दो आटो दो आटो दो ना हले बोले दो सबाई के तुम बैड बॉय तुम की हैं जोरे बोलो की बैड बॉय थैंक यू मजाक कर रही थी वो उसको पूछती हूँ ना तुम कौन हो तो बोलता है मैं बैड बॉय हूँ। और देखिए रियो प्रीत ये रिंग्स खाने के लिए इतना एक्साइटेड था और अभी ऐसे फेंक के रख के मोबाइल लेके बैठ गया है। क्यों नहीं खाया तुम भाई का है तो चलिए हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं बातों बातों में ठंडा हो जाएगा। और मैं ना सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद करती हूँ बाहर में मैं बहुत कम मैं मेकअप करके जाती हूँ
तो जैसी मैं वैसी आ जाती हूँ। व्लॉग्स बनाने के लिए अलग से कुछ स्टाइल वाइल करके नहीं आती। कल लगाया था इतना सारा तेल, बाल तो नहीं है बिल्कुल भी, जितने हैं उतने को तो केयर करना पड़ेगा। इस वजह से मैं लगाया था, शैम्पू कर दूँगी पहले, फिश बनाऊँगी उसके बाद में। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर करना, और तब तक के लिए अपने को साथ रहिए, जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए, जैसे भी हो डोंट केयर, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। टाटा।